भाई लास्ट वीडियोस में भी देखा था आपने, ये हमारी कंपनी है संजीव उद्योग, संजीव ऑयल एक्सपेलर के नाम से ऑल ओवर इंडिया हम लोग माल सप्लाई करते हैं, नेपाल में सप्लाई करते हैं, साउथ अफ्रीका में सप्लाई करते हैं। हमारे पास मल्टीपल साइजेस की मशीन होती हैं, आपको काम अगर 30-35 केजी पर आवर क्रशिंग पर करना है वो भी बनाते हैं, 500 केजी पर आवर क्रशिंग पर करना है वो भी बताते हैं। मैं एक बार आपको अपनी फैक्ट्री दिखाता हूँ, बाकी इस बोर्ड को आप याद रखिए हमेशा, संजीव ऑयल एक्सपेलर इस बोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्टार्टिंग है, ये आप देख रहे हैं कितना माल पड़ा, ये सब सीजन की स्टार्टिंग है, सीजन शुरू होने वाला है, आज पहला नवरात्रा है, बहुत शुभ दिन है। मेरे पास कम से कम 100-125 मशीन का माल हमेशा रखा होता है, ये क्वांटिटी की कमी नहीं है, आपको ऑर्डर्स प्लेस करने पड़ते हैं। ये आप मेरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट देखो, सारा काम मैं इनहाउस करता हूँ, और संडे का दिन है फिर मेरी फैक्ट्री चल रही है, 365 दिन होली दिवाली को छोड़कर बस मेरी फैक्ट्री चलती है, और लास्ट 59 ईयर्स से हम लोग फैक्ट्री ऐसे ही चला रहे हैं, 1966 से हम लोग जो है ऑयल एक्सपेलर बनाते हैं, और एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं हम लोग ऑयल एक्सपेलर लाइन में गाजियाबाद में। गाजियाबाद में शायद कोई ही ऐसा कंपनी वाला होगा जो हमें नहीं जानता होगा, और ग्राहक भी आते हैं तो गाजियाबाद में संजीव कंपनी, आप किसी बस स्टेशन पर चले जाओ, बस स्टैंड पर जाओ, रेलवे स्टेशन जाओ, सबको मालूम है, आप किससे बोलोगे संजीव कंपनी जाना तो आपको छोड़ देगा। में हम मशीन थोड़ी सी हैवी बनाने में विश्वास रखते हैं, है ना, हम चीप एंड बेस्ट वाला काम नहीं करते, सस्ती मशीन ले लो, क्योंकि देखो ये मशीन जो है किसी का रोजगार है, कोई लोन ले रहा है, कोई 2-3 साल पैसे जोड़ता है, सोचता है कि भाई मैं 2 साल बाद ऑयल एक्सपेलर लगा लूंगा। हमारे पास आते हैं कुछ लोग जो है राजमिस्त्री होते हैं, कुछ लोग बेचारे पंचर का काम कर रहे होते हैं, है ना, वो बेचारे जैसे जैसे पैसा इकट्ठा करके ब्याज पैसा ले कर्जे पे लेके हमसे मशीन लेते हैं। तो मैं कस्टमर्स को, ग्राहकों को यही हाथ जोड़ के समझाना चाहूँगा, सस्ती मशीनों पे मत जाओ, ठीक है, सस्ता रोए एक बार महंगा रोए, सस्ता रोए बार बार महंगा रोए एक बार, महंगी मशीन ले लोगे आप तो आप जो है पछताओगे नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी आएगी तो हम लोग बैठे हैं उस चीज़ के लिए। लास्ट 59 ईयर्स से हम लोग आपकी सेवा में हैं, किसी तरीके की भी कोई भी दिक्कत आती है तो हम लोग ऑन कॉल अवेलेबल है, हमारा कस्टमर केयर नंबर है वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। हमारी मशीन जो पुराने ग्राहक जो कस्टमर्स चला रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, उन्हें भी कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी कॉन्टैक्ट करके हमसे बात कर सकते हैं, मशीन क्रशिंग नहीं कर रही कोई भी दिक्कत, तो हम लोग बैठे हैं। आज मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज आ रही हैं, बहुत टाइम से इंक्वायरीज आ रही हैं, मैं उसके सॉल्यूशन ढूंढने में लगा हुआ था। बेसिकली क्या है ना, जैसे जैसे कस्टमर्स की इंक्वायरी आती है हम उस पर काम करना शुरू करते हैं, हम उस तरीके से काम नहीं करते कि हमारे पास यही है जी लेना है लोड नहीं लेना, मतलब उस तरीके से हम लोग काम नहीं करते, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, सब चीज़ें आपके सामने हैं। मैं आज आपको सिंगल फेस की मशीन से मिलवाऊंगा कि सिंगल फेस की जो मशीन होती हैं वो किस तरह काम करती हैं। ऑल ओवर इंडिया में बहुत से ऐसे गांव हैं, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर 3-फेज कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, आज भी सिंगल फेज कनेक्शन अवेलेबल है, तो जिसके पास सिंगल फेज कनेक्शन अवेलेबल है वो लोग किस तरह से ऑयल एक्सपेलर का काम कर सकते हैं, है ना, कि 3-फेज ना होने की वजह से वो लोग निराश हो जाते हैं, फोन करते हैं भाई साहब 3-फेज नहीं है हमारे पास, सिंगल फेज में मशीन अवेलेबल है, आपको गाजियाबाद में सिंगल फेज की मशीन मेरे पास मिलेगी। तो स्टार्टिंग करिए भाई, बाकी देखते हैं और कौन कौन निकालता है इस चीज को। जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल से, एक आपको छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ मैं, ये मशीन है 9 वोल्ट 30.5 की, ये मशीन है 9 वोल्ट 27.5 की, ये मशीन है 9 वोल्ट 27.5 मिनी की, ये मशीन है आपकी 6 वोल्ट 27.5 की, ये फिर 9 वोल्ट 27.5 की, 9 वोल्ट 27.5, 9 वोल्ट 27.5, ये आपकी 6 वोल्ट 27.5 की मशीन है, फिर ये आपकी जो मशीन है ये 6 वोल्ट 27.5 की मशीन है। अब हम इन मशीनों पे आते हैं जिसकी हम लोग, ये टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ये जो मशीन है ये 4 वोल्ट की मशीन है। इस मशीन की खास बात क्या है कि जो इसका चैम्बर है ये 18.5 का है, किसी को भी अगर क्रशिंग करनी है 35 किलो 40 किलो के आसपास पर आवर क्रशिंग जो है ये एक मशीन आराम से कर सकती है। सबसे जो मेन इसका इशू आता था पहले, ये मशीन जो है हाई पावर पे चलती थी, हमने इसके बैलेंस थोड़े से बड़े कर दिए, 5 HP सिंगल फेज से आप इन मशीन को चला सकते हो, ठीक है, आपको रिस्पांस वही आएगा, क्रशिंग कैपेसिटी भी कम नहीं होगी, क्वालिटी मेरी हैवी है, आप मार्केट में पता करोगे तो आपको सबसे हैवी क्वालिटी संजीव कंपनी ही देगी पूरे गाजियाबाद के अंदर। गारंटी हम देते हैं, हम बैरिंग लगाते हैं कंपनी का, कोई बैरिंग टूट जाए उसकी गारंटी है, मशीन निचोड़ ना निकाले उसकी हम लोग गारंटी देते हैं, ठीक है, बशर्ते ग्राहक जो हमारी मशीन की सेटिंग्स करी हुई है, जो वर्म की सेटिंग करी है, अगर उसको ग्राहक छेड़ेगा तो फिर वो जिम्मेदार है उस चीज़ का, जैसे हम मशीन दे रहे हैं ग्राहक ले जाएगा लगाएगा, जो हम एवरेज कमिटमेंट करेंगे मशीन वहाँ तक जरूर पहुँचेगी। टोटल स्पेयर पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, सारा स्पेयर पार्ट हम लोग बनाते हैं, इसकी वर्म हो गई, इसकी पत्ती हो गई, जितना भी आप पूरा प्रोडक्शन यूनिट में देख कर आए हो सब चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, ईच एंड एवरी। आप संजीव कंपनी से मशीन लेने आए हो, बेस्ट क्वालिटी लेने आए हो, तो आप ये तो बिल्कुल दिमाग में मत लाना कि मैं मार्केट से प्राइस कंपेयर करता हूँ, मेरा प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, ठीक है, उस हिसाब से क्वालिटी भी देता हूँ मैं,
मैं इस तरीके से नहीं डील करता कि ग्राहक को मशीन थोड़ी सस्ती दे दो, बाद में ग्राहक को एक साल बस स्पेयर पार्ट चिपका देंगे, ग्राहक को दिक्कत आएगी। मेरे इवन साइज है, ऑड साइज नहीं लगाता मैं, लोग मैं वही साइज लगाता हूँ जो ऑल ओवर इंडिया आपको जो है अवेलेबल हो जाते हैं बहुत आराम से। ये दोनों सेम मॉडल हैं, इन्हें बोलते हैं 4 बोल्ट 18 साढ़े 3, 4 बोल्ट 18 साढ़े 3। अब मैं आपको एक ऐसी मशीन दिखाने जा रहा हूँ जो मशीन आपको हार्डली ही गाजियाबाद में मिलेगी, ठीक है। कंपनीज बहुत सारी सेल कर रही हैं, ठीक है, मशीन को, बट जो मेरी मशीन की खास बात है तो वही है, सिंगल फेस से चलेगी, ठीक है। उसको रन करना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही आराम से मशीन चलती है, बिना आवाज़ के मशीन चलती है। ये मशीन भी बिना आवाज़ के चलती है, आप और हम जैसे बात कर रहे हैं ये मशीन चलेगी और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, बिल्कुल साइलेंट मशीन होगी। बैरिंग्स लगाते हैं मशीन में, टोटल बैरिंग वाली मशीन होती है, बैरिंग लगाने में कोई कंजूसी नहीं करते, बुश लगाने में कोई कंजूसी नहीं करते, ऑयल बात मशीन होती है, स्टील गियर की मशीन होती है, किसी तरह की कोई माल में कंजूसी नहीं करते। ग्राहक से भी उम्मीद करते हैं कि वो भी कंजूसी ना करे, अच्छी चीज़ लेकर जाए और सालों साल बढ़ते। ये बेसिकली फॉर्मेट हम लोग ये सोचते हैं, जैसे ये फैक्ट्री हमारे दादा परदादा जी ने खोली थी, हम फोर्थ जनरेशन इसको रन कर रहे हैं, तो दादा ने बनाई तो पोते बरत रहे हैं, तो ये मशीन भी ऐसी है, दादा खरीदेगा पोता बरतेगा। आज 30 साल पुराना ग्राहक भी हमारे पास आता है, ठीक है, जो ले गए थे मशीन हमसे, आज उनके बेटे भी चला रहे हैं, आज उनके पोते भी उस मशीन को चलाने के लिए तैयार हैं। एक घंटे में जो इसकी क्रशिंग कैपेसिटी होती है वो 35 to 40 kg होती है, बढ़ भी जाती है, पर एक स्टार्टिंग फेज में जिस आदमी को मशीन नहीं चलानी आती तो आप मान के चलो 35 किलो के आसपास क्रशिंग कैपेसिटी फर्स्ट डे से इसकी आ जाएगी बहुत आराम से। ये मैं एक नई मशीन दिखा रहा हूँ आपको, ये बेसिकली इंपोर्टेड मशीन है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों के डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, इंडिया में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि लोग ये बोल रहे हैं, ठीक है, जो इसके इंपोर्टर्स हैं, कि ये मशीन हम लोग बना रहे हैं, इस मशीन को हम लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसका ये पार्ट बनाते हैं, ये बनाते हैं, इसके वर्म बनाते हैं। ये टोटल इंपोर्टेड मशीन है, ठीक है, इंडिया में नहीं बनती है, बाहर से इंपोर्ट होती है। ऑल ओवर इंडिया जो भी इस मशीन को सेल कर रहा है, ठीक है, 99% लोग ऐसे हैं जो इस मशीन को इंपोर्ट कर रहे हैं और इंडियन बोल के बेच रहे हैं। भाई ये सिंगल फेस की मशीन है, 7.5 HP की मोटर से भी चलेगी, 5 HP की मोटर से भी चलेगी, मोटर क्रॉम्पटन की होनी चाहिए, अच्छी मोटर से ये मशीन 5 HP से भी आराम से रन करेगी। तो जिनका भी इशू है सिंगल फेस को लेकर और एक्सपेलर लोग नहीं लगाना चाहते तो कोल्ड प्रेस में वो लोग स्विच हो सकते हैं। संजीवनी कोल्ड प्रेस के नाम से ये मशीन है जो हम इंडिया में हमने लॉन्च करी है, लास्ट 5 years से हम लोग उसे सेल कर रहे हैं। तो मैं डाउट्स कस्टमर्स को क्लियर करना चाहता हूँ कि इस मशीन को कोई भी, अगर आप बात करो, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा इस पे वीडियो में कि इसको बना रहा है, इसको कोई भी नहीं बना रहा है, ये टोटल इंपोर्टेड आइटम है, ठीक है। ऐसे पेटी पैक में हमारे पास आती है ये, हम इसे खोल के असेंबल करके कस्टमर्स को दे देते हैं, ठीक है। सिंगल फेस की मशीन है, सेल्फ स्टार्ट मशीन है, आवाज़ नहीं है मशीन के अंदर, ठीक है, सिंगल फेस से चलेगी। और इसका अलग बेनिफिट है, एक्सपेलर की अलग मार्केट है, इसकी अलग मार्केट है। जो लोग बेसिकली एक्सपेलर लगा रहे हैं, सिंगल फेस का भी लगा रहे हैं, ठीक है, जिन लोगों को आगे जाके वहाँ पर, जैसे बिहार में ये मशीन जाती है, आसाम में ये मशीन जाती है, जहाँ पे मिस्त्री की थोड़ी सी कमी है कि मिस्त्री इतनी आसानी से अवेलेबल नहीं होते, वो लोग कोल्ड प्रेस में स्विच हो सकते हैं, ठीक है। मेरे पास से आप कोल्ड प्रेस लीजिए, जैसी मैं श्योरिटी आपको संजीव कंपनी ऑयल एक्सपेलर की देता हूँ वैसे इसकी दूंगा, सब कुछ समझाऊंगा। लास्ट वीडियो मैंने बोला था मशीन चलाकर सरसों का तेल निकाल कर दिखा कर उसके बाद ही मशीन को मैं जो है कस्टमर को हैंड ओवर करता हूँ, बिना मशीन दिखाए बिना समझाए मैं किसी कस्टमर से पेमेंट नहीं लेता। भाई पहले मशीन देख लो, समझ लो, समझ आए तो लो, नहीं समझ आए तो कोई दिक्कत नहीं किसी भी तरीके। भाई जिस तरह से ये मशीन आपको लग रही है कोल्ड प्रेस की, ये पुली कैटल पूरा बन के स्टार्टर केबल, मैं ये मशीन कस्टमर्स को देता हूँ इस तरीके से कि घर पर ले जाके रखेंगे, मेन स्विच से कनेक्शन करेंगे और मशीन को चालू कर देंगे। इस मशीन का चैम्बर टाइट करना, चैम्बर खोलना, चैम्बर सेट करना, ये सब इश्यूज खत्म हो चुके हैं, इस मशीन में ये इशू नहीं होते। जाम भी ये मशीन कम से कम लगाती है, ठीक है, काली सरसों में पहली बारी में ये जो है मैक्सिमम क्रशिंग कर देती है, दूसरी बारी में कभी कभार नहीं भी डालना पड़ता, ठीक है। पीली सरसों में दूसरी बार क्रशिंग करनी पड़ती है, पीली सरसों में तेल जो है वो ज़्यादा होता है, तेल की मात्रा ज़्यादा होती है। काली सरसों में ऑल ओवर इंडिया में 90% लोग काली सरसों का तेल पीते हैं और लोग निकालते भी हैं, ठीक है। तो इस मशीन के थ्रू आप काली सरसों का तेल निकालिए, सिंगल क्रशिंग में आप करेंगे इसको, ठीक है। थोड़ा सा एवरेज का ऊपर नीचे पड़ जाता है, बट इजी टू हैंडल मशीन है, ठीक है। आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा। प्राइस की बात मैं करूँ, ऑल ओवर इंडिया आप बात कर लो, ठीक है, दुनिया भर के लोगों से बात करो कोल्ड प्रेस के लिए। मैं सिर्फ और सिर्फ जो जापानी फैक्ट्री देखी, जिस तरीके का मैन्युफैक्चर में हूँ, अगर मैं इसकी ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसको इम्पोर्ट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ 8 से 9% 10% मार्जिन के ऊपर काम करता हूँ, ठीक है। लोग इंटू टू भी करते हैं माल को, इंटू थ्री भी करते हैं, इंटू फोर भी करते हैं माल को, एक का चार भी करते हैं। आप
मार्केट में रेट पता करो, मेरा रेट पूरी मार्केट में सबसे कम है, बेस्ट क्वालिटी है, ठीक है। इसके अंदर भी बहुत सारी क्वालिटीज आती हैं, पर अपने नाम को देखते हुए मैं हल्की क्वालिटी नहीं दूंगा आपको, मैं बेस्ट क्वालिटी दूंगा, ये बेस्ट क्वालिटी है। शिकायत का मौका उसको नहीं मिलेगा, ठीक है। बाकी देखो स्पेयर पार्ट सर्विस वो तो गाड़ी की तरह है भाई, गाड़ी चलाते रहोगे सर्विस नहीं कराओगे तो उसका भी इंजन बैठ जाएगा, उसका भी इंजन सीज हो जाएगा। ऐसी मशीन है, सर्विस नहीं करोगे भाई, चलाते रहोगे तो एक टाइम बाद जो है भाई ये भी खत्म हो जाएगी। हमारे पास एम्प्लॉयज है, स्पेयर पार्ट है, इस मशीन का नट टू नट लेके सब चीजें अवेलेबल है हमारे पास। कस्टमर हमारे पास आएगा, हम उसको दिखाएंगे कि हमारे पास सब चीजें अवेलेबल है इस मशीन में। बड़ा चैलेंज आ रहा है पिछले दो सालों से, हमें डेढ़ दो सालों से कस्टमर बड़ा कंफ्यूज रहता है भाई। हमारी कंपनी का नाम है संजीव उद्योग, ठीक है, संजीव ऑयल एक्सपेलर के नाम से हमारी कंपनी है। एक फोटो अभी हम लोग इसमें अपलोड कर देंगे, मेरी, मेरे फादर की, मेरे ब्रदर की, हम होलसेल इस कंपनी के मालिक हैं तीनों, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अगर आपको क्लेम करता है ऑल ओवर दी इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में, ठीक है, कि मैं संजीव कंपनी का मालिक हूँ और वो संजीव के आगे या पीछे कुछ भी जोड़कर आपको माल सील करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं नाम किसी का नहीं खोलूंगा भाई इसमें, वीडियो है, सोशल मीडिया बड़ी खतरनाक चीज है, तो मैं वो नाम नहीं खोलूंगा आपको इस चीज में। पर संजीव के अलावा अगर आपको संजीव के नाम को घुमा फिरा के मैनिपुलेट करते हुए किसी भी चीज को लेके कोई सेल कर रहा है तो भाई वो गलत सेल कर रहा है, वो चीज नहीं है, हम लोग उसके मालिक नहीं है। ये हमारा मार्का है संजीव के नाम से, संजीव, संजीव के आगे या संजीव के पीछे कोई भी कुछ लगाकर अगर आपको सेल कर रहा है मशीन, ठीक है, तो वो संजीव कंपनी की मशीन नहीं है, हम उसके क्लेमेबल नहीं है, ठीक है ना, हम उसके लिए उसका कोई क्लेम नहीं लेंगे। अगर मेरी मशीन पे संजीव का मार्का होगा इस तरीके से, ढलाई लगी हुई है, इस तरीके से संजीव का मार्का होगा, इस तरीके से संजीव का मार्का होगा, ठीक है, आप मुझे बिल दिखाएंगे तो ही मैं क्लेम ले पाऊंगा। ये मेरा, मैंने कस्टमर्स के लिए लगा रखा है भाई, ये आप भी देख लीजिए एक बार, ये लोगो है आपका, ये मेरा लोगो है संजीव उद्योग गाजियाबाद, ये मेरा लोगो है हमारी कोई और ब्रांच नहीं है। तो दोस्तों सर ने स्पेशली मेंशन कर रखा है, कहीं आप धोखे में आकर कुछ नाम चेंज करके लोग बना लेते अपनी कंपनी, तो ये जनरल कंपनी है और यही इतने सालों से रन कर रहे हैं। हम लोग कुछ प्लेट्स मशीन पर लगा के देते हैं, इस नंबर को कस्टमर नोट कर लेंगे, इस प्लेट को आप दिखाओ, संजीव ऑयल एक्सपेलर गाजियाबाद, ये हमारे फादर का नंबर है, ये पिछले 20 साल से चल रहा है 9810637028। बाकी नंबर्स जो मेंशन करे गए हैं उसी पे कॉल कीजिए सिर्फ और सिर्फ, किसी की बातों में मत आइए, ठीक है। लोग क्लेम कर रहे हैं कि कोई हमारा रिश्तेदार है, संजीव को हमने इस तरीके से कर दिया, हमारा कोई नाम नहीं है संजीव के अलावा। संजीव के आगे पीछे ऊपर नीचे आपको कुछ भी लग के मिल रहा है तुरंत आप फोन काटिए, बात मत कीजिए उनसे।